टॉप बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000। तो भाई अगर आपका बजट 30,000 है, 30,000 के बजट रेंज में आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, यही वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है LG G8X को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इसका प्राइस लाइक आपको 50,000 के बजट रेंज में देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको 30,000 के बजट रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन पूरा आपको लोडेड मिल जाता है, बिकॉज आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि OLED डिस्प्ले। आपको स्नैपड्रैगन की ओर से स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। भी अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, 6GB रैम के साथ देखने को मिलता है। प्लस भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो स्मार्टफोन है ना, आपको IP68 रेटिंग वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ देखने को मिलता है, मतलब आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर पानी में गिर भी जाता है, 1.5 मीटर तक आप नॉर्मली डिप करके रख सकते हो आधे घंटे तक। तो यार 30,000 के बजट रेंज में आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन मिल जाना, वो भी LG की ओर से, और क्या चाहिए। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ये स्मार्टफोन है, अगर गिर भी जाता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जल्दी टूटने नहीं वाला। तो भाई LG ब्रांड है, टॉप ब्रांड में ऐसे आते हैं। प्लस भाई अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। बैक कैमरे में अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे तो आप अपने फेस को देख सकते हो कि फोटोज़ में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस फोन की एक प्लस पॉइंट आ जाता है। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर यार मैंने Realme के स्मार्टफोन रखे हैं। मैं दो स्मार्टफोन बताऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ Realme X3 Super Zoom की, एंड मैं बात कर रहा हूँ Realme X7 Pro की। तो इन दोनों में से भाई जो भी आपको सही लगता है, आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Realme X3 Super Zoom में आपको IPS LCD देखने को मिलती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। लेकिन जो Realme X7 Pro है, वो आपको 5G स्मार्टफोन भी मिल जाता है, प्लस उसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्लस भाई मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि Realme X3 Super Zoom में आपको जो प्रोसेसर है वो बहुत ही तगड़ा मिलता है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। दोनों में आपको कोर कैमरा सेटअप मिल जाते हैं, 4K वीडियो शूट आप कर सकते हो बैक कैमरे में, लेकिन आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट में आपको 32 MP सेल्फी मिल जाती है। अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। 4200mAh की बैटरी या 4300mAh की बैटरी दोनों में देखने को मिल जाती है। प्लस मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि Realme X7 Pro में आपको 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में या 35 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए, अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अगर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, डिज़ाइन लुक वाइज देखा जाए, तो Realme X7 एक तो नया लॉन्च हुआ है, 5G स्मार्टफोन है, एंड स्पेसिफिकेशन उसके ज़्यादा तगड़े हैं। लेकिन Realme X3 Super Zoom का जो कैमरा है, उसके साथ बैक कैमरा जो है, उसके साथ साथ जो प्रोसेसर है, वो आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, वो स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा। तो आप देख लेना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको नया फोन चाहिए, Realme X7 Pro आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, तो उसके साथ साथ प्रोसेसर भी आपको तगड़ा चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Realme X3 Super Zoom। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, या नंबर थ्री पर मैंने फिर से रखे हैं दो स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूँ RQ003 की, एंड मैं बात कर रहा हूँ Vivo V20 Pro की। तो यार दोनों स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाते हैं। स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन दोनों का देखने को मिलता है। जो RQ003 है वो आपको ऑरेंज कलर में बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा, एंड जो Vivo V20 है, इसके तीनों ही कलर्स बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं, ठीक है। दोनों में प्रोसेसर आपको ज़्यादा तगड़ा मिल जाता है, लेकिन IQ003 का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा तगड़ा है एज कंपैरिजन किया जाए Vivo V20 Pro के साथ। लेकिन जो Vivo V20 Pro है, उसका कैमरा ज़्यादा तगड़ा है एज कंपैरिजन किया जाए IQ003 के साथ। तो अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना, मतलब सीधी सी बात है यार, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको अगर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है IQ003। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, Vivo V20 Pro जो है वो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगर आपको लाइक प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, IQ003
आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आपको लाइक कैमरा अच्छा चाहिए तो वीवो V20 Pro आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ यार मैंने रखा है MI 10T को। अगर स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले आपको ये स्मार्टफोन 5G देखने को मिल जाता है। इसके कलर, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक मतलब बहुत ही ज़्यादा अपर है। MI की ओर से आता है, MI भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। दो वर्ल्ड में देखने को मिलेगा ये स्मार्टफोन 6GB रैम के साथ एंड 8GB रैम के साथ। दो कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में, एंड दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली 9वीं कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करूं इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं मिलती लेकिन इसमें आपको IPS LCD देखने को मिलती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट में आपको 20 MP की सेल्फी मिल जाती है लेकिन आपको 4K ऑप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता। बैटरी की बात करूं 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं आपको 30,000 के बजट में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है MI 10T। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए MI 10T के। तो भाई अगर आपका बजट 30,000 है, 30,000 के बजट रेंज में आपको MI की ओर से लाइक स्मार्टफोन चाहिए, ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही अपर होने वाला है। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, अगर आपको प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, डिज़ाइन वगैरह या लुक वाइज भी अगर आपको स्मार्टफोन अपर चाहिए, ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट डील हो देगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी A52 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है 30,000 के बजट रेंज में। सैमसंग के फोन बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं भाई। अगर आप 15,000 से ऊपर सैमसंग के फ़ोन लेते हो ना तो उनमें आपको बैटरी तो अच्छी मिल ही जाती है, प्लस आपको सभी में मतलब सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि डिस्प्ले इन मतलब सैमसंग के स्मार्टफोन का डिस्प्ले हो गया, बैटरी लॉन्ग बैटरी लाइफ हो गया एंड प्राइवेसी सिस्टम हो गया, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। इसमें आपको 5G फोन मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। 3 वर्ल्ड में ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है 6GB रैम एंड 8GB रैम के साथ, एंड स्टोरेज वेरिएंट आपको डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। क्वाड कैमरे के साथ देखने को मिलेगा जो कि 64 MP के साथ देखने को मिलता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पर, प्लस आपको 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। सेल्फी में भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 25W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगा अगर आप हार्डकोर गेमिंग नहीं करते। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो आपका एक दिन तो नॉर्मली नहीं निकलने वाला। आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब भाई वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है भाई। अगर आप मतलब 1 मीटर तक अगर आप इस स्मार्टफोन को डिप कर देते हो आधे घंटे तक तो भी आपका फ़ोन ख़राब नहीं होने वाला। 30,000 के बजट रेंज में आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन मिल जाता है, वो भी सैमसंग की ओर से। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी A52 के भी। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिए, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने 2 स्मार्टफोन आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन बता दिए जो कि 30,000 के बजट रेंज में सच में यहाँ तक वो पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इंस्टाग्राम पर करें फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको जॉइन करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू।